हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 से 2019 तक का, सारा वो मैं कलेक्शन करके आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो पूरा बेनिफिट्स उठाइए इस स्टैटिक जीके के जो सीरीज है उसका। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का हमारा क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 50,000 रुपीज के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि दृश्य परीक्षा के लिए उपयोग किया जाता है ईयर ड्रम में, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम में कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ओटोस्कोप, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम, ओटोस्कोप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्बर केव, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट इन इंडिया, मोस्टली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। तो भारत में सबसे पुरानी जीवित चट्टान है जिसका नाम है बर्बर गुफाएं, ज्यादातर निम्नलिखित में से किस काल की है? कौन से काल, कौन से पीरियड का है ये? तो ये जो आप बर्बर केव देख रहे हैं ये है मौर्य टाइम के, ठीक है, मौर्य एम्पायर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following countries was declared as a malaria-free country in May 2019 by World Health Organization? तो कौन सा वो कंट्री है जो कि अब मलेरिया मुक्त कंट्री हो चुका है और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित भी कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। और ये कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना अब मलेरिया वाला कंट्री नहीं रहा, ये मलेरिया मुक्त कंट्री हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रफेल नडाल का तो नाम आपने सुना ही होगा। तो रफेल नडाल वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। तो ये किस कंट्री से आते हैं रफेल नडाल? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन। स्पेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता होती है, ठीक है? तो आपका कितना आयु होना चाहिए? 25 ईयर्स होना चाहिए। इफ यू वॉन्ट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपका एज 25 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट? जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ये भारत के किस सिटी, किस राज्य में है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है ये कहां है? ये है रायपुर में। कहां है? रायपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज द पावर टू प्रोमोगलेट ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है? तो किसके पास पावर है? ये पावर है ऑन एंड ओनली सर्वोसर्वा, यानी कि प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ही पावर है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? और यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेमर, ठीक है, फेमर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग बुक वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन 2019, ठीक है, तो कौन से बुक के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज द ओवर स्टोरी। ओवर स्टोरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर। किस ईयर में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबल प्राइज दिया गया था? और इस क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मेरे तरफ से भी एक नोबल प्राइज मिलेगा। और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1921 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबल प्राइज कब दिया गया था? 1921 में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए मुझे कि जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है वो पहले के, अभी का तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन जो जितने भी फेमस लोग हैं और इंडियन लोग हैं उनके बारे में एक वीडियो तो मैं जरूर से जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन नेम, ठीक है, जिसका नाम क्या है? कलाश्रम
फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन डांस एंड एसोसिएटेड डिसिप्लिन्स। तो निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्था का नाम कलाश्रम रखा था, और वो कौन थे? वो थे पंडित बिरजू महाराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो कलाश्रम है, जो कि जहाँ पर डांस वांस सिखाया जाता है, इसको किसने एस्टैब्लिश किया था कलाश्रम को? तो पंडित बिरजू महाराज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुग्याल आर हाई एल्टीट्यूड मीडोज एंड पास्चर्स इन द हिमालयन स्लोप्स, इन विच स्टेट वुड यू फाइंड देम मोस्ट? तो ठीक है, तो ये जो बुग्याल हिमालय की ढलान में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चरगाह हैं, उन्हें आप किस राज्य में पाते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is International Dance Day? Basically, आपसे International Dance Day पूछा गया है। Celebrated by the International Theatre Institute, the main partner for performing arts of UNESCO. तो International Dance Day कब होता है? ये होता है 29 अप्रैल को, ठीक है, 29 अप्रैल, 29th अप्रैल is the right answer for this question. During the reign of which of the following king did Chinese traveler Yuan Zhang visit India? ठीक है, तो किस टाइम पे, किसके पीरियड में Yuan Zhang जो है भारत का दौरा किए थे? ओके, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जिनका नाम है Yuan Zhang भारत आया था? और यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हर्षवर्धना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन, और मेरे एस्थेटिक जीके का तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, और कोलेरू लेक जो है ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज इन हॉस्पिटल्स टू मेजर द हार्ट बीट ऑफ पेशेंट? वो कौन सा कंप्यूटर है जो कि यूज होता है हॉस्पिटल्स में ताकि वो मेजर कर सके हार्ट बीट? ठीक है, दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्न में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? और यहां पर करेक्ट आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो हार्ट बीट को नापने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है हॉस्पिटल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सांझी आर्ट इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संबंधित है? तो ये किस राज्य में संबंधित है? ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर्स? ओके, तो कितने, ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन, इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी दे भी चुका है ना आपको कि बॉर्डर वाला से, वहां से भी ये क्वेश्चंस है कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमाओं को कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझा करता है, और उत्तर प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है स्टेट्स को। ठीक है, सबसे ज्यादा 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक विथ 29 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? ठीक है, इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक। अब देखिए ये क्वेश्चन, हालांकि यहां 28 स्टेट्स होगा, ठीक है ना, ये 29 गलत है, ठीक है, 28 यहां पर होगा कि इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक विथ 28 स्टेट्स। जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पर 29 स्टेट्स था, ओके, और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। अब क्योंकि अगर आप अभी का करेंट विकिपीडिया आप चेक करेंगे तो वहां पर आपको 28 स्टेट्स देखने को मिलेगा, और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों मिलकर एक ही यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख तो है ही, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब भी हो गया, पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? ठीक है, तो कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है जिसको नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा?
ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार एंग्लो इंडिया समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित किया जा सकता है? और हेयर इज द राइट आंसर इज 2, और आपने सही जवाब दिया है तो नेक्स्ट टाइम आप ही नामित होने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज होम टू द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट कोराकोरम रेंज, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मरमैगो पोर्ट इज लोकेटेड इन वेयर? ओके, तो ये जो मरमैगो पोर्ट है ये भारत में किस राज्य में स्थित है? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिलवारा जैन टेंपल सिचुएटेड इन विच स्टेट्स ऑफ इंडिया? और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आपको यहां पर घूमने का मौका मिलेगा। ठीक है, राजस्थान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक कामयनी? ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तक द कामयनी के लेखक कौन है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जय शंकर प्रसाद आपका राइट आंसर है। ठीक है, जय शंकर प्रसाद, तो कामयनी के ऑथर कौन है? जय शंकर प्रसाद। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द यूजर टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट एंड मैन्युपुलेट द अवेलेबल डाटा इन ए टेबुलर फॉर्मेट? निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता, ठीक है, जिसका उपलब्ध डाटा को संग्रहित, व्यवस्थित, गणन और हेर फेर करने की अनुमति देता है? ये किस में हम लोग करते हैं, जहां पर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको ये प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जैपनीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव? ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, सुनामी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम पुस्तक लिखी है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर इज दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रंगपट्टनम फोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, श्रीरंगपट्टनम जो है ये फोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यहां राइट आंसर हो जाएगा सेम्योर क्रे, जो है आपका राइट आंसर है। ये मे भी शायद सीजीएल 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस? ठीक है, तो क्या है एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का? और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, नेक्स्ट, According to the article 243(5) of the Constitution of India, the minimum age requirement for becoming a member of a municipality is? ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम एज कितना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ म्युनिसिपालिटी इज? वेरी गुड, 21 years इज द राइट आंसर, 21 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बिगेस्ट जूट प्रोड्यूसर इन इंडिया? कौन सा वो राज्य है जो कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। द बैसाइल कैलमिटी ग्यूरिन वैक्सीन, जिसको हम लोग BCG के नाम से भी जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, बैसिल कैलमिटी ग्यूरिन जो एक वैक्सीन है,
ये किस डिजीज से प्रिवेंट के लिए यूज्ड होता है? ओके, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबर क्लोसिस आपका राइट आंसर है, ट्यूबर क्लोसिस। नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू जादू गोड़ा इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड इज एन इंपॉर्टेंट माइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जादू गोरा सिंहभूम जिले में झारखंड निम्नलिखित में से किसके लिए एक महत्वपूर्ण खान है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जादू गोरा वाला का? वेरी गुड, यूरेनियम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संशोधन में कौन से वर्ड को इंसर्टेड किया गया था, ऐड किया गया था, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स? यस, इंटेग्रिटी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड? ठीक है, तो कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? और कामाख्या जो टेम्पल है ये है असम में सिचुएटेड। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? ठीक है, पीडीएफ जो हम लोग सभी लोग यूज करते हैं, हमेशा आप लोग डिमांड करते हो इसका पीडीएफ दे दो, उसका पीडीएफ दे दो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट, किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, किस दिन को वर्ल्ड थायराइड डे जो होता है हर साल, ये होता है 25 मई को, 25 मई। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज तरन तार फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली? ठीक है, तो तरन तार मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? और ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट अफेक्टेड बाय द इलनेस ऑफ ऑस्टोपोरोसिस? ठीक है, ऑस्टोपोरोसिस, तो ऑस्टोपोरोसिस में कौन सा ह्यूमन का पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है? वो होता है बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द नन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड? ठीक है, नन कॉरपोरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? और वो हुआ था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री हाउसेस द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर? ये कुछ अजब टाइप का ही क्वेश्चन हेडक्वार्टर पूछ दिया था, मतलब अनएक्सपेक्टेड है, मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड है कि द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स का हेडक्वार्टर कहाँ, ये आपसे पूछा है, जिसका करेक्ट आंसर हालांकि फ्रांस होगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये हमारा स्टैटिक जीके का सेट खत्म हो गया है, सेट पार्ट 4 हम लोगों ने कर लिया है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक टोटल 174 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, चार सेट में 174, और ये तो मैं अभी तो सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ अभी CHSL का ही स्टैटिक जीके 2018 वाला का ही चल रहा है, उसके बाद अभी कितने सारे पेपर हैं, तो डेफिनेटली मुझे थंबनेल लगता है वहां पर वापस से 300 को चेंज करके वहां पर रखना पड़ेगा 1000, क्योंकि स्टैटिक जीके का इस वक्त अगर SSC के एग्जाम की बात करें तो बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो मुझे लगता है कि 1000 मुझे उसको करना पड़ेगा। और ये 1000 अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चंस अगर रिपीट हुआ तो अपने इसी वीडियो से होगा 100%, और 1000 पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल स्टैटिक के प्रति और ऊपर तक चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ और आपको ऑल द बेस्ट कहने के साथ मैं इस सेशन का द एंड करता हूं। बाय।